गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। सूर्य पुत्रो उद्रिक देई विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्नार्तम पीड़ार्तम मे शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमन 19 मई सन 2014 सोमवार का दिन है। आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। देवाधिदेव शनिदेव आप पर हम आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 19 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं परेशानी है, तो लगातार 43 दिन एक तांबे वाला सिक्का जिसमें छेद हो और एक पीला फूल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना या किसी तालाब में प्रवाह कर देना। कष्ट नहीं आएगा और परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। हमेशा सफेद रुमाल अपने पास जरूर रखें यदि आपका जन्म 19 मई को हुआ है तो, बहुत अच्छा माना जाता है आपके लिए। और बात करते सोमवार के जीवन में, आज सोमवार का दिन है और आज महादेव की पूजा का दिन है। भगवान महादेव को भजा जाता है आज के दिन। सोमवार दिन महादेव की पूजा करने से हर खुशी आपको प्राप्त होगी। और आज के दिन श्रद्धापूर्वक नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें और अभिषेक के उपरांत धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान शिव को मेवा और मिश्री का भोग लगाएं। भोग के उपरांत शुद्ध आसन पर बैठ इसी मंत्र की 3 माला जाप करें, ओम वाम देवाय नमः। और भगवान शिव की घी के गाय की आरती से आरती करें। घी के गाय की दीपक बनाकर उससे आरती करें। हर कष्ट हर परेशानी दूर होगी और मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के पंचांग की। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2071 सोमवार का प्रातकाल उत्तराषाढ़ नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि में और सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और राहुकाल और शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। नमो नारायण। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं सोमवार के राशिफल की। मेष राशि, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, समस्याओं का निवारण मिलेगा। परेशानी, उदासी, बेचैनी जो ये वातावरण बना हुआ था, इस संपूर्ण वातावरण से छुटकारा मिलेगा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रस्ताव बने रहेगी, दिन बड़ा अच्छा मिलेगा। क्या करें, उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़े, क्या न करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। धीरे 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 कार्य बनते हुए नजर आएंगे। यात्राओं का प्रबल योग और यात्राएं बड़ी लाभकारी। सभा और जलसा में जाने का अवसर मिलेगा जहां आप समाज में अपनी बातचीत रखेंगे। सामाजिक मेल मिलाप बढ़ेगा और सामाजिक यश की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, धार्मिक और सामाजिक कार्य जरूर करें, इससे आप बैलेंस रहेंगे। क्या ना करें, व्यर्थ के चिंतन और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, गोचर धीरे धीरे हमें संकेत दे रहा है कि आज अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गोचर समय अशुभ फलों की ओर इशारा कर रहा है। कारोबार की स्थिति मंदी रहेगी, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती, किसी निकट साथी से धोखा संभव, मन में उदासीनता और निराशा के भाव और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या करने नहीं करें, तो जीवन साथी से मतभेद ना रखें। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, ग्रह गोचर की अनुकूलता से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय और नौकरी की स्थिति अनुकूल रहेगी और यात्रा करना संभव होगा। बहुत सुंदर गोचर, बहुत अच्छा गोचर कर्क राशि वालों, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या करें, बस नए लोगों से संपर्क बढ़ाएं। क्या ना करें, तो आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ होते हुए भी, शुभ हो हैं
ज्यों ही गोचर में अनुकूल परिवर्तन आया है, अनुकूल फलों की प्राप्ति नजर आ रही है। साहसिक कार्य में विशेष सफलता हासिल करेंगे, स्वजनों के सहयोग से कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, धन लाभ के साथ साथ माता पिता का सम्मान, माता पिता से प्यार मिलेगा, अपनों का अपनों से मान सम्मान बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, प्रियजनों से प्यार मिलेगा और पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी। सिंह राशि वालों समय ठीक है, क्या करें, नई मित्रता और संपर्क सूत्र का लाभ उठाएं, क्या ना करें, जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। नवनंद बात करते हैं कन्या राशि, कन्या राशि वालों थोड़ा सा गोचर मध्यम है, भावनाओं में बैठकर निर्णय मत लीजिए, लाभ चाहते हो तो परिश्रम करना पड़ेगा, संतान की शिक्षा और दीक्षा को लेकर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में संयम से काम किया तो लाभ जरूर मिलेगा, परंतु स्वजनों के सहयोग की आवश्यकता जरूर होगी, इसलिए अपनों को साथ लेकर चले धार्मिक कार्य और धार्मिक यात्राओं पर धन का खर्च, लेकिन ये प्रसन्नता वाला खर्च है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस खान पान के प्रति थोड़ा जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्या करें, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहें, क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। नमूना निर्बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि वालों सितारों की चाल संकेत देने की, आज अपनों का साथ नहीं मिल पाएगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अड़चन है, अधिकारी वर्ग का सहयोग नहीं मिल पाएगा, किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना भी है और खर्चे की अधिकता से मानसिक तनाव भी, विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, यात्रा में भी कष्ट है, थोड़ी सी सावधानी, क्या करें, दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें, क्या ना करें, आलस्य से अपने कार्य को ना बिगाड़े, बस इस बात का ध्यान रखें। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कारोबार में उन्नति होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी, गोचर शुभ है, बस खाली क्रोध पर काबू रखना, क्या करें, अनुजों की सफलता के लिए प्रयासरत रहें, क्या ना करें, मन में असंतोष न रखें। नमनन और बात करते हैं धनुराशि की, धनुराशि लोग वाणी की अनुकूलता से कार्य संपन्न कर सकेंगे, परंतु विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं चाहिए मेरे मित्र, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले, विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में मौका मिलेगा, बस थोड़ा सा परिश्रम करने की जरूरत है, घर में मेहमानों का आगमन होगा और मन प्रसन्न रहेगा, क्या करें, कार्य सफलता के लिए समझौता करें, क्या ना करें, जीवन साथी के साथ मतभेद ना करें। नमन और बात करते हैं मकर राशि की, मकर राशि चलो गोचर समय शुभ और अनुकूल है, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, घरेलू समस्याओं का समाधान होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा और धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे, क्या करें, दाम्पत्य जीवन की मधुरता बनाए रखें, क्या ना करें, किसी से झूठे वादे न करें। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है, निजगत कर्मों की वजह से आज अशुभ फलों की ओर इशारा कर रहा है गोचर, कारोबार की स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है, आज कारोबार में उठापटक है, लेन देन के मसले अटक सकते हैं, अपनों से विरोध हो सकता है, कर्मचारियों की वजह से उठापटक की संभावना में नजर आ रही है और किसी अपनों की वजह से धोखा भी हो सकता है, निराशा और उदासीनता की वजह से कामों में अड़चने भी होगी, स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह का है, थोड़ा ध्यान दें, ओम शम शनिश्चराय नमः, भगवान शनि देवी की मूर्ति के स्पर्श करें, तेल चढ़ाए, गरीबों को रोटी खिलाए, बड़ा अच्छा रहेगा, क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या न करें, जीवन साथी से मतभेद न रखें। नमोनारायण और बात करते हैं मीन राशि की, मीन राशि वालों सितारों की चाल ठीक है, सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, निराशा से छुटकारा मिलेगा, आशाओं की पूर्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्वप्रयासों से आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में उन्नति का अवसर, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता और पारिवारिक सुख बढ़ेगा, और क्या चाहिए आप सब लोगों को, सब तो ठीक है मीन राशि वालों, क्या करें, भूमि और वाहन संबंधी कार्य कर सकते हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं इसमें, क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय ना करें। नमोनारायण, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो गणनाक्षों पर आधारित था, और पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा अनुभव है, सेकेंड ओपिनियन आप पूरा आपका अधिकार है, मैं तो आपको खाली मुस्कुराने के लिए, आप मुस्कुराइए और मेरे साथ रहिए, ये 20 मिनट 15 मिनट हरिओम तत्सत जय शनि देवा इस मंत्र का जाप करते मेरे साथ रहिए। श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है मेरा, मेरी जीवन भर की तपस्या का स्थल है, हर दर्द की दवा हर समस्या का समाधान देवाधिदेव शनि देव है, और श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना, आप आइए एक बार श्री शनि धाम, आप देखिए दाती महाराज ने क्या मेहनत की है, अद्भुत श्री विग्रह है, अद्भुत प्राकृत स्वरूप है, भगवान शनिदेव के 7 स्वरूप है,
अद्भुत पार्श पीपल और अद्भुत तेलाभिषेक का एरिया दर्शन करने मात्र से भीतर की कली कली खिल जाती है। पधारिए आप श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। और एक बात और कहना चाहता हूं, सभी लोग चाहते हैं कि हम दाती महाराज से व्यक्तित्व मिले। आप जानते हो 700 बेटियों का पिता हूं, हजारों मेरे पास गायें हैं, रात दिन में अपने कामों में, और अभी मैं कोई आपसे दान नहीं मांग रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं, थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं। हाँ, शनिवार को मैं दिल्ली में रहता हूं, शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में शनिवार को रहता हूं, और आप शनिवार के दिन मेरे से मिल सकते हैं। और इसके लिए आपको 9717457565 इस नंबर पर संपर्क कर दीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए सैकड़ों किताबें लिखी है, अद्भुत दाती उपाय खंड लिखे, अद्भुत देसी नुस्खे लिखे, अध्यात्म पे बहुत लिखा, भगवान शनि पे बहुत लिखा है। घर बैठे आप इस साहित्य को मंगाना चाहते हैं तो www.shanidham.in पे जाइए, और या फिर 9414124600, नहीं तो 9910692001 इस नंबर। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरु मंत्र की जन्म कुंडली है, बहुत अद्भुत है दाती गुरु मंत्र, ये जन्म कुंडली है। ये जन्म कुंडली में गणित है, वर्षफल है, फलादेश है, रत्नों के बारे में है, न्यूमरोलॉजी के बारे में है, कालसर्प योग के बारे में है, साढ़े साथी के बारे में, प्रत्येक ग्रह का उपाय है। घर बैठे आप दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगा सकते हैं 9910692001 9910692001 इस नंबर संपर्क करिए, या फिर 9414124600 पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी हासिल। www.shanidham.pure.be आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी, और फेसबुक पे तो उपायों का खजाना है, श्री शनिधाम शनि चतुर्निमित्त, इस पे आप जरूर जाइए। नमोनारायण। और बात करते हैं सोमवार के उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन राहु काल के दौरान गरीब और जरूरतमंद निर्धन 11 कन्याओं को श्रद्धा अनुसार भोजन करें, उन्हें दूध और चावल से बनी खीर जरूर करें, माँ लक्ष्मी की अवश्य कृपा होगी। और ये हर 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 शुक्रवार को कर दीजिएगा, अवश्य धन लाभ होगा। नमोनारायण। और बात करते हैं दाती संदेश की, दाती गुरुवाणी की। जब धागा गुरु नाम का हो, पटा गुरु नाम का हो, पटा ज्ञान का हो, हरि नाम का हो, तो फिर तकलीफ नहीं आती है। जब भगवान की भक्ति का धागा या पटा गले में बंध जाता है तो फिर माया का फंदा उस पर प्रभावशाली नहीं रहता। माया उन लोगों पर बहुत कम प्रभाव डाल पाती है जिनके गले में भक्ति का डोरा पड़ा हुआ है, भक्ति का धागा पड़ा हुआ है, भक्ति का पट्टा पड़ा हुआ है। नहीं समझ में? हाँ, भक्ति का पट्टा। यदि कोई इंसान अपने सच्चे हृदय से, अपने गुरु महाराज से ज्ञान लेकर भक्ति में लीन होकर गुरुदेव के दिए हुए नाम की माला जपता है, सदगुरु की कृपा को ग्रहण कर लेता है, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे भयभीत कर सके, क्योंकि प्रभु नाम में बहुत ताकत है, सदगुरु के आशीर्वाद में बहुत ताकत है। ऐसे आदमी के आगे दुनिया आगे पीछे घूमती है। अरे जिस आपने कुत्ते नहीं देखे, एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। पालतू कुत्ता वो जिसके गले में पट्टा होता है और उसे आभास होता है ये कुत्ता पालतू है, किसी का है, और पट्टे की वजह से उसे कोई हाथ नहीं लगाता कि इसका मालिक हमें मारेगा, उसे कोई पकड़ता नहीं, पट्टे की वजह से वो सुरक्षित रहता है। और जो फालतू होता है उसे गले में पट्टा नहीं होने का उसे हर जगह दुत्कार मिलती। इसी तरह दुनिया में भी यदि गले में प्रभु का नाम है, सदगुरु का आशीर्वाद है, तो फिर तुम्हें दुनिया का कोई भी आसुरी या तामसी शक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। भक्ति का पट्टा, नाम का पट्टा, ज्ञान का पट्टा, गुरुदेव का आशीर्वाद का पट्टा, जिसके गले में फिर उसको कोई तकलीफ नहीं। नमनन। और बात करते हैं सोमवार के सुझाव की। सोमवार का दिन है, आप चाहते हैं कि आपके किए गए प्रयास सफल हो, धन लाभ हो, अपनों का साथ मिले, तो 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग मोगरे के 108 पुष्प अर्पित कर लीजिए और पाशुपत स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। नमनन। www.shanidham.in पे मिल जाएगा ये टोटका। नमनन। आज इतना ही, कल के लिए है जन्मदिन और शादी की सालगिरह, तो क्या है उपाय और धन वृद्धि के लिए टोटका लेकर आऊंगा कल के लिए, लेकिन आज इतना ही। नमनन।